हाय गाइस, आप लोग सब कैसे हैं। आज हम कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम का छोटा सा टॉपिक है, ब्लड वेसल्स, इसे हम डिस्कस करेंगे। और वैस्कुलर सिस्टम होता क्या है और बेसिकली इसका काम क्या है, और इसमें हम वो वैस्कुलर सिस्टम का एंटोनॉमी, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे कि किस तरह से उसमें ऑक्सीजन, किस तरह से आर्टरीज से रिच ऑक्सीजन ब्लड कैपलरी में जा रहा है और कैपलरी उसे कैसे एक्सचेंज कर रही है। फॉर देयर एक्सचेंज ऑक्सीजन डी ऑक्सीजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिवर्स कर रही है थ्रू द लंग्स, उसे लंग्स में बैक कर रही है। और जो वेस्ट वेस्ट ब्लड, मतलब जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है, उसे किस तरह से हार्ट में पहुंचा रही है, बस इसका ही हम ओवरव्यू देखेंगे। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया है, ये ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर्स है। इसमें आर्टरीज, कैपलरी, वेंस है, जिससे किस तरह से इसका फंक्शंस है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल, देयर आर थ्री काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स। तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें लाइक अल्ट्रीज, वेंस एंड कैपलरी। क्या होती हैं? अल्ट्रीज, वेंस एंड कैपलरी। ईच ईच ऑफ दीज प्ले ए वेरी स्पेसिफिक रोल इन द सर्कुलेशन प्रोसेस। अब कह रहे हैं यहाँ पे वेरी मतलब सर्कुलेशन प्रोसेस, वेरी स्पेसिफिक रोल किसका है, जो ब्लड को सर्कुलेशन प्रोसेस, मतलब ब्लड को सर्कुलेशन करने में किसका मतलब अहम भूमिका या रोल किसका है? कैपलरी का। तो कह रहे हैं कैपलरी इज ऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कह रहे हैं यहाँ से मतलब हार्ट से जो ऑक्सीजन ब्लड है वो लेफ्ट वर्टिकल से, होते हुए मतलब एरोटामे से जाते हुए वो ऑल बॉडीज में फ्लो कर रहा है। उसी तरह से इसमें दिखा रहा है कि अल्ट्रीज में कैसे जो ऑक्सीजनेट ब्लड है वो अवे आर मतलब हार्ट से कैसे बॉडी सर्कुलेशन हो रहा है उसके बारे में कह रहा है। फिर डेट अलाउ ब्लड टू फ्लो ईजी, और किस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है। दे हेल्प पम्प पम्प्स ब्लड थ्रू द बॉडीज। और कहने का तात्पर्य यही था जो मैं अभी समझा रहा था कि बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेशन हो रहा है अल्ट्रीज, मतलब थ्रू लेफ्ट वर्टिकल से एरोटा से जाके ब्लड, और एरोटा से उसे डिफरेंट टाइप अल्ट्रीज में निकल कर वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैपलरी, कैपलरी का क्या काम है। और ये जो मैंने जो जूम किया, ये है कैपलरी, ये इस तरह का, ये पोषण, ये आपको दिख रहा है, ये कैपलरी हैं, ये सारी कैपलरीज हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे यहाँ से ये जो अल्ट्रीज है, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, इधर से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड इन इन कैपलरियों में जा रहा है, कैपलरियों में जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, कैपलरी कनेक्ट द अल्ट्रीज टू वाइंस। ये कह रहे हैं अल्ट्रीज और वाइंस से क्या है, कैपलरीज कनेक्ट है, जुड़ी हुई होती है। बट इसका काम क्या है, द अल्ट्रीज डिलीवर द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द कैपलरीज। अब कह रहे हैं ये मतलब अल्ट्री का क्या काम है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो क्या कर रही है, कैपलरी को क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है। और कह रहे हैं वेयर द एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। कह रहे हैं कैपलरी क्या कर रही है, उसे एक्सचेंज कर रही है, कैपलरी क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, मतलब जो ऑक्सीजनेट ब्लड है उसे जो इसमें से रिच जो वो है तो उसे एक्सचेंज कर रही है, और जो उसमें बेस्ट है उसे क्या रिवर्स कर दे रही है, किसे, वाइन के थ्रू उसे रिवर्स कर रही है। फिर कह रहे हैं
द कैपलरी देन डिलीवर द वेस्ट ऑफ रिच ब्लड टू द वाइन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट बैक टू द लंग्स एंड हार्ट। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट है, तो उसे ट्रांसपोर्ट मतलब बैक थ्रू किसके वो बैक थ्रू मतलब उसे बैक कर रहे हैं और उसे कहाँ पहुँचा रहे हैं, मतलब लंग्स, उसमें किसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें लंग्स में बैक कर देती है, और जो ब्लड को है उसे हार्ट में बैक कर, जो वेस्ट ब्लड है उसे हार्ट में बैक कर देते हैं, जो हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसे किसमें राइट अल्टीरियम में उसे बैक कर देते हैं। अब हम देखेंगे वाइन्स, ये है जो वाइन्स का क्या कार्य है, कह रहे हैं वाइन्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट। अब कह रहे हैं इसका मतलब इस थ्रू से यहाँ से इंटाइड हुआ रिच ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आया पूरे वो यहाँ पे कैपलरी में एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद में जो बेस्ट था हमारा वो इधर को हमारा क्या होगा, जैसे लंग्स ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो भी इधर से ही मतलब यहाँ से इसी थ्रू से वो लंग्स में जाके वेस्ट और वो लंग्स में वेस्ट पहुँच कर वो वहाँ से निकल चेंज हो जाएगा, और यहीं से हमारा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेट ब्लड होगा वो भी हमारा इसी थ्रू जाकर बैक और वो राइट अल्टीरियम में पहुँचेगा, राइट अल्टीरियम में पहुँचेगा। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको कैसी लगी इसका कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।